महंगाई को कम कीजिए, बेरोजगारी सरकार बदले या ना बदले पहले बेरोजगारी को सही कीजिए। लालू यादव जी बोले कि रोड बनेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, लाइन आएगा तो मरिए जाएगा आदमी। क्या लगता है नीतीश कुमार फिर से पाला बदलेंगे? नीतीश कुमार का आने वाला समय ही बदलाएंगे ना, उनको तो पलटू चचा लोग कहते हैं। आपको क्या लगता है 25 के विधानसभा चुनाव में नीतीश या हम लोग बाहर धक्का खा के जाते हैं, मकान मालिक मारता है, किराया न दे टाइम से तो वो मारता है, लेकिन वो अब अपने पाला बदलने में। अगर हमारा बिहार सरकार सुधर जाए तो यहाँ रोजगार आएगा, तो बहुत आदमी कहला जाएगा गुलाई लगाने के लिए बाहर। कोई इतना थोड़ी गिरा हुआ हो सकता है कि इतना और पलटी मारे कहने का मतलब नीतीश कुमार गिरे। बिल्कुल, शिक्षक भर्ती जो निकला हुआ है खाली इसमें खाली सीटों का खाली बस आंकड़ा का खाली खेल। नीतीश कुमार तो नौकरी नहीं रहे, आंकड़ा का खेल कर रहा ना, तो वही तो बाहरी वाले को दे रहा है ना। तो नमस्कार, मैं स्वीटी, आप देख रहे हैं NBC 24। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुले मन से, जब जेपी नड्डा आए थे तब उन्होंने खुले मन से कहा था कि अब दो बार गलती कर चुके हैं, अब इधर से उधर नहीं जाएंगे, अब हम NDA के साथ रहकर ही 25 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेंगे। ऐसे में आज हम पटना के मैदान में उतर चुके हैं, जहाँ पटना की जनता से जानेंगे कि आखिर उन्हें क्या लगता है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार क्या पलटी मारेंगे, क्योंकि जब जब नीतीश कुमार खुले मन से ऐसे कहते हैं तब तब वो सत्ता बदलते हैं, दल बदलते हैं। तो चलिए लोगों से ही जानते हैं कि क्या कुछ लोगों के इस पर राय है। क्या लगता है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, क्योंकि जब जब वो खुले मन से कहते हैं कि हम इधर से उधर अब नहीं जाएंगे, दो बार गलती कर चुके। देखिए, सबसे बड़ी बात है नीतीश कुमार कोई ख़राब प्रधान मुख्यमंत्री नहीं है, ये बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन सीट एक ऐसी चीज़ है कि लोग अपने सगे भाई को बाप को भूल जाते हैं। बहुत ज़्यादा ये भूल दो बार कर चुके हैं, इस बार ऐसा नहीं करेंगे वो। लेकिन जब जब ये कहते हैं कि नहीं करेंगे तब तब ही बदल लेते हैं। देखिए, अब इसके बारे में तो बता नहीं सकते हैं अंदर का जो भावना। क्या आपको क्या लगता है कि 25 के विधानसभा चुनाव में नीतीश या तेजस्वी? ये देखिए, दोनों का जो पल्ला जो है टक्कर का रहेगा। अच्छा। इसमें जो है RJD है चाहे JDU है। हाँ। दोनों का बराबर टक्कर रहा और टक्कर रहेगा। आपको क्या लगता है? नहीं, दोनों के बराबर ही टक्कर है, जो अच्छा है काम करेगा वही जीतेंगे। और नहीं लगता कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदलेंगे? कुछ भी नहीं कह सकते, राजनीति है। हाँ, यस मैडम, लोगों हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि नीतीश कुमार क्या फिर से पाला बदलेंगे, क्योंकि फिर से वो कह रहे हैं कि हम इधर से उधर नहीं जाएंगे, अब दो बार गलती कर चुके हैं, लेकिन जब जब ऐसा कहते हैं वो पाला बदल लेते हैं। नहीं, कोई जरूरी नहीं कि बदल सकते हैं, कुछ तो विश्वास करना चाहिए। 25 के विधानसभा चुनाव में किसको CM के तौर पर देखेंगे? अब देखिए, नीतीश अगर रहते हैं तब नीतीश होंगे, या नहीं तो और कोई होगा दूसरा। और कौन? अब किसको हम बतावे, जो होगा जिसका बहुमत होगा, अब जिसका बहुमत होगा वही हम किसी को कैसे कह दें कि कौन होगा। अच्छा। करने की कोशिश करते हैं, तो छोले भटूरे खाते खाते कुछ सवालों का जवाब देते जाइएगा कि नीतीश कुमार क्या लगता है फिर पाला बदलेंगे? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल पलटू आराम कहते हैं उसे, बदल सकते हैं, क्योंकि फिर से कह रहे हैं कि अभी इधर से उधर नहीं जाएंगे, दो बार गलती कर चुके हैं। देखिए, ऐसा कुछ कहना मुश्किल है, समझा ना, क्योंकि पिछले बार जो हुआ है उसके आंकड़े से बताते हैं कि भैया कभी भी पलट सकते हैं। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार फिर से पाला बदलेंगे? पाला बदलेंगे ये तो समय आएगा तो बताएगा आदमी। लेकिन कह रहे हैं कि आप गलती नहीं करेंगे, ऐसा दो बार गलती कर चुके हैं, आप गलती नहीं करेंगे, ये बात सही है, आप गलती करेंगे। उनसे जानने की कोशिश करते हैं हम, क्या लगता है नीतीश कुमार फिर से पाला बदलेंगे? नीतीश कुमार का आने वाला समय ही बदलाएंगे ना, उनको तो पलटू चचा लोग कहते हैं। अब देखिए, 25 के विधानसभा चुनाव में वो कह रहे हैं कि अब नहीं बदलेंगे, दो बार गलती हो चुकी है, अब देखिए उनका विचार क्या कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है CM के फेस के तौर पे कौन 25 के विधानसभा चुनाव में? अरे, कोई भी नेता बने, बिहार का विकास हो। युवा नहीं हुआ है? अरे, युवाओं के लिए बहुत दिक्कत है, बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी नहीं रहेगा। अभी शिक्षक भर्ती जो निकला हुआ है खाली इसमें खाली सीटों का खाली बस आंकड़ा का खाली खेल। नीतीश कुमार तो नौकरी नहीं रहे, आंकड़ा का खेल कर रहा है ना, तो वही तो बाहरी वाले को दे रहा है ना। तो यहाँ बिहारवासी कहाँ दे रहा है बताइए, तो दो मिसाल लागू हम लोग मर रहे हैं, कहाँ दो मिसाल लागू कर रहे हैं बताइए। तो हमारे बिहार में फैक्ट्री के लिए बहुत जरूरी है, बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं है, बहुत लोग पलायन कर रहे हैं। कुमार कह रहे हैं कि हम 5 लाख तो नौकरी दे दिए हैं, बाकी 50 लाख तो बोल तो रहे हैं आंकड़ों का खेल कर रहे हैं वो। बिल्कुल, निचले वर्ग खुश रहेगा तब ना जाके कोनो चीज खरीदेगा। निचले वर्ग खुश नहीं। क्या लगता है नीतीश कुमार फिर से पाला बदलेंगे? हाँ, बदलेंगे निश्चित। क्यों लगता है ऐसा कि फिर से बदलेंगे? बोल रहे हैं कि नहीं, अभी दो बार गलती कर चुके हैं, अभी इधर से उधर। इनका नीति है कभी इधर से उधर होना, तो ये तो छोड़ेंगे नहीं, तो बदलेंगे नहीं, यानी फिर से बदलेंगे। फिर से बदलेंगे। क्या लगता है नीतीश कुमार फिर से पाला बदलेंगे? मुमकिन है, लेकिन कह रहे हैं कि दो बार गलती कर चुके हैं, अब ऐसा गलती नहीं है। मगर ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, नहीं करना चाहिए। किसी भी पार्टी में स्थिर से रहना चाहिए,
और अपनी हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए। बार बार पलटी खाने से वो विधानसभा चुनाव में किसको इमेज बिगड़ जाता है। जी 25 के विधानसभा चुनाव में किसको सीएम के फेस के तौर पे देखना चाहते हैं? सीएम तो अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, तो बिहार में क्या क्या विकास हुआ है? हाँ, विकास तो दिख रहा है। दिख रहा है क्या? रोड मैप तो दिख रहा है। अच्छा, रोड मैप है। युवाओं को रोजगार नहीं मिला है, युवा भटक रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। नहीं, रोजगार तो मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन रोजगार जितनी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। पूरी रोजगार कहाँ है? बेरोजगार तो बहुत आदमी घूम रहा है, कहाँ रोजगार बताइए। अच्छा, तो नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हम बहुत रोजगार रोजगार है। मैडम दिखाइए ना, कहाँ रोजगार है? कोई कंपनी रहे हैं? कुछ नहीं, नहीं मैडम, हम लोग बाहर धक्का खा के जाते हैं, मकान मालिक मारता है, किराया न दे रहे टाइम से तो वो मारता है। लेकिन वो अब अपने पाला बदलने में, अगर हमारा बिहार सरकार सुधर जाए तो यहाँ रोजगार आएगा, तो बहुत आदमी कहला जाएगा बिजली लगाने के लिए बाहर। ऐसा आप लोगों को भी लगता है क्या? बीपीएससी वन जो टीचर वाला हुआ, हम लोग 1 दिए 2 दिए 3 भी दिए। 3 वाला में 1 वाला में भी देखिए बाहर वाला की सिलेक्शन कितना हुआ और कितना उसमें फर्जी निकल रहा, और फर्जी निकल करके हम लोग बोलते हैं भैया पहले डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कीजिए, उसके बाद हम लोग का बहाली लीजिए। मगर यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कर करके जल्दबाजी में किए, उसमें आंकड़ों का खेल कर दिया, जो सीट वेरिफिकेशन नहीं हुआ फेल हो गया, दोबारा वही काम कर रहा है। तो इसमें आंकड़ों का खाली खेल है, और बेरोजगारी एकदम पूरा मारामारी है बिहार वासियों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, बाकी कुछ नहीं है, बस सिर्फ आंकड़ों का खाली खेल है। आपको क्या लगता है चाचा कि नीतीश कुमार जी फिर का है, देखते देखते भागने लगे? देखिए और भी लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लगता है कि 25 के विधानसभा चुनाव में। पहले महंगाई को तो कम कीजिए, महंगाई को कम कीजिए, बेरोजगारी सरकार बदले या ना बदले पहले बेरोजगारी को सही कीजिए। अच्छा, लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार और मोदी जी का जिक्र नहीं कर रहे, बस एक ही है कि बेरोजगारी और महंगाई को कम कीजिए, गरीब मारा चला भीख मांग नहीं कम करेंगे तो 25 के विधानसभा मर जाएगा। अरे मर जाएगा, आप तो एक ही नीतीश कुमार। हम कह रहे कि जनता मर रहा है, पूरे हिंदुस्तान का जनता मर रहा है। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार पाला बदलेंगे? हमको लगता है कि इस बार फिर विधानसभा में पाला बदलेंगे, क्योंकि जब कहते हैं कि हम इधर से उधर 2 बार कर चुके हैं, अब नहीं करेंगे। बोलना और करने में उनके बहुत, करनी और कथनी में उनके अंतर है, जो देखने में आ रहा है, दिख भी गया है 2 बार। चाहते हैं सीएम के फेस के तौर पे 25 के विधानसभा चुनाव में? हम तो बिल्कुल नहीं चाहते। तो किसको चाहते हैं? हम चाहते हैं बीजेपी का कोई कैंडिडेट हो। अच्छा, तो बीजेपी है, वो भी तो एनडीए की सरकार के साथ। हम चाह रहे कि चेहरा उनका हो इस बार। अच्छा, बिहार में डबल इंजन की सरकार है। हाँ। क्या लगता है कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदलेंगे, क्योंकि जब जब वो कहते हैं कि आप इधर से उधर नहीं जाएंगे तब तब चले जाते हैं, क्योंकि फिर से कहा है उन्होंने, दोहराया है कि नहीं जाना चाहिए? ऐसा लगता है, लग तो रहा है। हाँ, कैसे किस कैसा लग रहा है, क्या दिख रहा है? कोई इतना थोड़ी गिरा हुआ हो सकता है कि इतना और पलटी मारेगा कोई। आपके कहने का मतलब नीतीश कुमार गिरे हुए हैं? बिल्कुल। अच्छा, नीतीश कुमार गिरे हुए हैं? हाँ। वो कैसे? देख नहीं रहे, इधर उधर पलटी मार, इधर उधर घिना दिए राजनीति कई लोग। क्या लगता है 25 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव या चिराग पासवान किसको देखेंगे आप? हम तो यंग देखना चाहते हैं, यंग लीडर चिराग पासवान को देखना चाहते हैं। चिराग पासवान क्या नीतीश कुमार बिहार में विकास नहीं किया, रोजगार नहीं दिए? विकास किए हैं, रोजगार नहीं दिए हैं, जो भी है। अब देश का युवा जो है अब चिराग पासवान को चाहता है, बिहार का युवा जो है चिराग पासवान को अभी चाह रहा है। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि 17 महीने आए, बहुत सारा नौकरी रोजगार दिए, तो उनको वो अपने नहीं बोलने आता है। उनका जो माए बाप था अथी सीएम, तो जखनी का नौकरिया पास करवा दिए। नीतीश कुमार अभी है सीएम, तो नीतीश कुमार ने नौकरी दिए। क्रेडिट लेने से क्या होगा, हम क्रेडिट लेते हैं कि हम ही दुकान में के आती हैं। अभी वो हर दिन छापे ना है, अभी तो हर दिन वो कह रहे हैं कि बिहार में अपराध बढ़ गया है। जब गुंडा राज था तब उनको नहीं दिखा, जंगल राज था तो आप पहले 2000 से पहले के उठा के देख लीजिए ना इतिहास, जंगल राज था। लालू यादव जी बोले कि रोड बनेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, और लाइन आएगा तो मरिए जाएगा आदमी, इसलिए कुछ नहीं देंगे। हाँ, नहीं देंगे। अब बिहार में तो सब कुछ, ग्रामीण में भी काफी विकास, हाँ काफी विकास हुआ है। जो भी नीतीश कुमार रोड पे काम किए हैं, इसके ये हम नहीं बोले हैं कि नीतीश कुमार जी काम नहीं किए हैं, काम किए हैं, लेकिन अब कुछ बदलाव का जरूरत है बिहार को, खास करके बिहार को बदलाव का जरूरत है। अब यंग लीडर कोई आए वो काम करे, बेरोजगारी पे काम करे, जो भी इधर भटक रहा है, नशा वशा कर रहा है। और हाँ, महंगाई पे ये लोग बोलते हैं, महंगाई देखिए पहले कम था या अभी कम है, अभी ज्यादा। एक और सुनिए ना, एक और नाम सुनेंगे, जन सुराज किशोर, प्रशांत किशोर, नई पार्टी बनाने जानबे नहीं करते हैं, नहीं नहीं जा रहे हैं, नया दल बनाने दीजिए।
बनाने से क्या होगा, हम निर्दलीय चुनाव लड़ लेंगे तो लड़े से क्या होता, पवनो सिंह लड़ लिया तो जीत जाता ना। पवन सिंह शामिल हो रहे हैं, होने दीजिए ना उसको जी, निर्दलीय लड़ा ना उसको घमंड आ गया तो निर्दलीय लड़ा तो जीत गया, कहाँ नहीं जीता। यही हाँ यही मेरा रोजगार है। हाँ नीतीश कुमार से आप खुश हैं? हाँ नीतीश कुमार से खुश है, हाँ रोड में विकास किए हैं, गांव में विकास किए हैं। तो आपने सुना कि किस तरह से पटना की जनता ने साफ साफ कह दिया है कि कुछ भी संभव हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार पाला बदल भी सकते हैं, नहीं भी बदल सकते हैं। वही लोगों का ये भी कहना है कि नीतीश कुमार ने विकास तो किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो युवा हैं वो रोजगार की वजह से और नौकरी की वजह से नाखुश भी दिखे हैं। लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार ने रोजगार नहीं दिया इसलिए हम लोगों को बाहर पलायन करना पड़ता है, नीतीश कुमार ने नौकरी नहीं दिया इसलिए हम लोग बेरोजगार हैं। तो बिहार में बेरोजगारी और गरीबी और जिस तरह से लगातार बढ़ते अपराध पर युवाओं ने काफ़ी कुछ कहा, आपने भी सुना। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें NBC 24। धन्यवाद।